फाइनली पूरे 4 साल 1 महीने बाद शाहरुख खान बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं एज ए लीड रोल। शाहरुख खान की जो लास्ट मूवी थी वो दिसंबर 2018 में आई थी जो कि थी जीरो, और उसके बाद अब जाकर पठान रिलीज होने वाली है जनवरी 2023 में। और इसी बीच शाहरुख खान के कई सारे कैमियो भी देखने को मिले जैसे लाल सिंह चड्ढा और ब्रह्मास्त्रा में। और आज शाहरुख खान के बर्थडे वाले दिन पठान मूवी का टीजर देखने को मिला और ऑफिशियली ये स्पाई यूनिवर्स की 4th मूवी होने वाली है। इस स्पाई यूनिवर्स में पहले से ही एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है और वार मूवी एग्जिस्ट करती है। और ऐसा बताया जा रहा है कि पठान मूवी से हमें इन सब का कनेक्शन भी देखने को मिलेगा और साथ ही में पठान मूवी में हमें ऋतिक रोशन और सलमान खान का कैमियो भी देखने को मिल सकता है। और इस मूवी की सबसे अच्छी बात है कि ये एक ओरिजिनल प्रोडक्ट है, कोई रीमेक नहीं। और अगर टीजर की बात करें तो उससे हमें मूवी के स्टोरी का कुछ पता नहीं चलता है, जो कि एक अच्छी बात है। टीजर से बस हमें इतना ही रिवील हुआ है कि शाहरुख खान के कैरेक्टर का नाम पठान है जो कि 3 साल से गायब है, और इस मूवी में हमें जॉन इब्राहिम शाहरुख खान के अपोजिट में देखने को मिलेंगे। और साथ ही में इस मूवी में दीपिका पादुकोण भी है जो कि अच्छी खासी एक्शन में दिख रही है। और साथ ही टीजर में हमें एक्शन सीन ही दिखाए गए हैं जो कि एक नंबर थे, और मैं कहूंगा शाहरुख खान के कमबैक के लिए इससे अच्छी मूवी हो ही नहीं सकती। बाकी एक्शन सीन, वीएफएक्स और कैमरा शॉट सब एक नंबर थे और शाहरुख खान का स्वैग तो नेक्स्ट लेवल ही था। अब बस जो चीज बच जाती है वो है इस मूवी की स्टोरी, अगर वो अच्छी निकलती तो इसे नेक्स्ट KGF होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये जानने के लिए हमें बस मूवी के आने का वेट करना है। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और इस टीजर पर तुम्हारा ओपिनियन क्या है ये कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।